दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में ऑर्डर का क्या रोल होता है, ऑर्डर किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ऑर्डर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ऑर्डर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो हमने कोई स्टॉक को परचेज़ कर लिया और उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस आ गया और हम ऑर्डर को बराबर नहीं समझ पाए तो उस पोजीशन को हम समय पे बेच नहीं सकते हैं, जिसके कारण हमारे हाथों में आया हुआ मुनाफा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑर्डर के बारे में हमको विशेष तौर पे जानकारी रखना चाहिए और उसके बाद ही हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आ चुके हैं एंजल एप्लीकेशन पे, एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन करें और शानदार अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर के बारे में हम जानकारी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको होम पेज में जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला होम पेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर वॉचलिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है और अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डर की, तो हमें ऑर्डर पे आना है। ऑर्डर पे आने के बाद हमें जो ऑर्डर्स के टाइप देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो ओपन ऑर्डर देखने को मिलता है, पोजिशन देखने को मिलती है, स्टॉक SIP और GTT, इनके बारे में हम समझेंगे कि ओपन ऑर्डर क्या होता है। मोस्टली क्या लोग गलती क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने स्टॉक में पोजीशन लगा ली और पोजीशन जो लगाते हैं तो देखते हैं कि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑर्डर कहाँ गया है, वो उसी को फाइंड करते रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऑर्डर को अगर आपने ऑर्डर लगाया है तो ऑर्डर किस प्रकार से लगा सकते हैं इसके बारे में भी हम देखते हैं सब। तो ऑर्डर लगाने के लिए आपको तो वॉच लिस्ट में आना होता है, वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो वॉच लिस्ट में अगर आप स्टॉक ऐड करते हैं आपको नहीं आता है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड का एक बटन है जिसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कोई भी कंपनी को आप सर्च करते हैं, जैसे कि VDEL का स्टॉक है, वेदांता का स्टॉक है, तो हमने VDEL टाइप किया और आपको यहाँ पे एक स्टार की बटन देखने को मिलेंगी। इस स्टार की बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस स्टार की बटन को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो ऑर्डर है ये इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दिया तो हमारे सामने क्या होगा कि ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर हम इसको बैक कर देंगे, यहाँ से पीछे लेके आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास पहले टाटा मोटर का स्टॉक था, अब यहाँ पे VEDL का स्टॉक आ चुका है। अब हमें ऑर्डर किस प्रकार से लगाना है, सपोज अगर हम VEDL के स्टॉक को या टाटा मोटर के किसी भी स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली उस स्टॉक के ऊपर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे दी गई बाय बटन पर प्रेस करना होगा। बाय बटन पर प्रेस करने के बाद क्वांटिटी यहाँ पे इंटर करना होगा। अगर आप लिमिट में लेना चाहते हैं तो आपने जो प्राइस यहाँ पे दी गई है वो प्राइस को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे इस प्राइस को कम कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको 415 में लेने के लिए, तो यहाँ आपको चार्जेस देखने को मिल जाएंगे कि कितना आपको चार्जेस लगने वाला है और सारे कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि एंजल स्पार्क फैसिलिटी आपको पहले ही बता देते हैं कि आप जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो उसमें क्या चार्जेस लगने वाले हैं, कितना आपको अमाउंट लगेगा, इंट्राडे में कितना लगेगा, डिलीवरी में कितना लगेगा, सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बाय बटन पर सिंपली क्लिक करना होता है। बाय बटन पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर AM ऑर्डर लगेगा क्योंकि आज मार्केट बंद है और ये ऑर्डर 8:45 से 9 बजे के बाद ही अपने आप लग जाएगा। तो मैं इसको यस बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे क्लिक किया था ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऑर्डर जो हमने वॉचलिस्ट से ऑर्डर लगाया है ये ऑर्डर हमारे पास ऑटोमेटिक ओपन ऑर्डर में हमारे सामने आ जाता है देखने को मिलता है और ये पेंडिंग में देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि हमने इसका ऑर्डर लगाया है 415 में और मार्केट का प्राइस है 419.05 रुपये। लेकिन जब मार्केट ओन रहेगा, मार्केट चालू रहेगा, तो उस समय अगर मार्केट का में 415 का प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ऑर्डर जो है पेंडिंग में दिखाएगा। लेकिन जब ये वाला प्राइस 415 रुपये देखने को मिलेगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर आपको संख्या 0 देखने को मिलेंगी और आपका जो ऑर्डर है आपका पोजिशन में आपको यहाँ इस साइड में देखने को मिल जाएगा। आपको कितना मुनाफा हो रहा है और कितना मुनाफा नहीं हो रहा है ये सारी कुछ जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आती है बारी स्टॉक SIP की कि स्टॉक SIP क्या होता है। स्टॉक SIP भी एक प्रकार का एक ऑर्डर टाइप होता है। यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी स्टॉक में SIP करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी SIP क्रिएट करना होता है। SIP हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। जैसे हम SIP हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास कोई भी SIP इस समय नहीं है। तो अगर आपने कोई स्टॉक को आप पर एक पर्टिकुलर डेट है
सपोज़ आप चाहते हो कि हर एक तारीख को आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ स्टॉक परचेस होते रहे हो, अपने आप आते रहें, तो जो आपके पेंडेंसी वाले ऑर्डर हैं, जो अपने स्टॉक की SIP बनाई हुई है, वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्टॉक SIP में। इसके बाद बारी आती है GTT ऑर्डर की, कि GTT ऑर्डर क्या होता है। तो GTT ऑर्डर मीन्स होता है गुड टिल एंड ट्रिगर ऑर्डर। तो यह ऑर्डर काफ़ी बेनिफिट्स वाला ऑर्डर है, क्योंकि जब हम GTT ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो यह ऑर्डर हमारे लिए एक साल के लिए वैलिड हो जाता है। सपोज़ अगर हमारे पास याद नहीं रहता है, हम एक कोई स्टॉक हमने खरीद रखा, फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर का स्टॉक हमने यहाँ पर बाय करके रखा है, यह स्टॉक हमारी पोजीशन में है और हमें लगता है कि यह स्टॉक आने वाले समय में 500 का प्राइस दिखा सकता है, और कब दिखाएगा ये पता नहीं है। लेकिन अगर हम GTT ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि यह ऑर्डर हमारे सामने एक साल के लिए वैलिड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे बार बार ऑर्डर लगाने की दिक्कत नहीं होती है, बार बार ऑर्डर लगाने की झंझट नहीं रहती है कि आपको हर 3:30 बजे आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपको हर सुबह 9 बजे से 9:15 के आसपास आपको ऑर्डर लगाना होगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया तो आपका ऑर्डर जो है एक साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो आप GTT ऑर्डर का यूज़ करके आप अपने एक बार ऑर्डर लगा के जब तक के आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक के हर दिन ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली लगेगा और ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप यहाँ GTT ऑर्डर का यूज़ करके आप यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ तो बात हो गई GTT ऑर्डर की, लेकिन GTT ऑर्डर लगता कैसे है, लगाते कैसे, इसके बारे में हम जानकारी बताते हैं। कि जैसे हमने देखा यहाँ पे VEDL का स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट में, तो हम VEDL का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली बाय बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लगता है कि VEDL का जो स्टॉक है ये हमको नीचे मिल सकता है, सपोज़ अभी जो चल रहा है 326 रुपीज़ चल रहा है, और हम चाहते हैं कि इस स्टॉक को हम नीचे लेना चाहते हैं और इस स्टॉक को हम 300 रुपये के आसपास लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से GTT ऑर्डर मेंशन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्लिकेबल करेंगे और आपको यहाँ पे GTT ऑर्डर ऑन करना होगा। GTT ऑर्डर ऑन करने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस मिलेगा, एक लिमिट प्राइस मिलेगा, आपको इन प्राइस के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको जैसे कि ट्रिगर प्राइस आपका जो है ये आपका लिमिट प्राइस से कम होना चाहिए। तो जैसे कि ये स्टॉक हमें परचेस करना है, जैसे सपोज इसको मान लेते हैं कि इसको हमें 300 रुपये पे परचेस करना है, तो इसको हमने सेट कर दिया 300 रुपये, और इसका एक जो प्राइस है यह प्राइस हम यहाँ से इसको हटा के इसको 301 रुपये कर देते हैं। तो हमने इस प्रकार से ऑर्डर लगा दिया और यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी है ये डेयर आपको रखना है, कोई चेंजेस इसमें करना नहीं है। इसका क्रिएट GTT के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछा, हमने क्वांटिटी मेंशन नहीं की थी, हम यहाँ पे सपोज 10 क्वांटिटी का एक ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ जो भी आपके चार्जेस लगने वाले हैं सारे चार्जेस की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। क्रिएट GTT के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपका मैसेज आता है कि आप डू नॉट शो अगेन, अगर आप इसको दोबारा देखना नहीं चाहते हैं तो डू नॉट शो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप यहां से अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आप यहां से देख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं। तो आपको GTT ऑर्डर जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो प्रोवाइड कराता है, तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें आप केस और फ्यूचर एंड ऑप्शन के आप स्टॉक को जो वैलिडिटी है उसके आधार पर आप रख सकते हैं। जिस सिंपली अगर आपके पास कोई केस का स्टॉक है तो आपकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की होती है, अगर आपके पास F&O के स्टॉक है तो ये जो एक्सपायरी होती है यहीं तक की इनकी वैलिडिटी होती है। यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट और NSE, MCX, NCDX एंड करेंसी सेगमेंट जो है ये स्टॉक में कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन को यहाँ पे रखा जा सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT ऑर्डर को टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि आप किस प्रकार से इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें कि GTT ऑर्डर जो है कि अगर आप इक्विटी केस में काम करना चाहते हैं, शेयर्स आप परचेस करना चाहते हैं, तो शेयर्स में आप एक बार ऑर्डर लगाने के बाद इसको आप 1 ईयर तक के आप इसको बिना चेंज किए हुए लगा सकते हैं। जब तक कि आपका ऑर्डर ट्रेड नहीं हो जाता है तब तक कि आपका GTT ऑर्डर लगते रहेगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद हमारा ये ऑर्डर लग चुका है। ये ऑर्डर लगने के बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब जो हमने ऑर्डर लगाया था, अब आपको ये ऑर्डर GTT में देखने को मिलेगा जो कि पेंडेंसी में है, क्योंकि हमने यहाँ पे खरीदारी का ऑर्डर लगाया है। इस समय इसकी प्राइस चल रही है 326 रुपये और हम ये ऑर्डर को लेना चाहते हैं 300 रुपये में। और आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी देखने को मिल रही है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है ये 26 जनवरी 2024 की है, यानी कि एक साल तक के लिए ऑर्डर लग गया है। अब एक साल के अंदर जब भी इसका प्राइस 300 रुपये आएगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक को परचेस कर सकते हैं, GTT ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, ये ऑर्डर एक साल के लिए वैलिड होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ऑर्डर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से लगाए जाते हैं और
स्टॉक की पोजिशन हम किस प्रकार से देख सकते हैं। अगर ऑर्डर ट्रेड हो जाता है तो ये स्टॉक मान लो कि GTT ऑर्डर ट्रेड हो चुका है तो हमारे सामने ये स्टॉक पोजिशन में आ जाएगा, यहाँ देखने को मिलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में ऑर्डर के टाइप को समझ सकते हैं, ऑर्डर किस प्रकार से लगते हैं, इनको हम इजीली यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं और यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही विंडो पे देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।